राम राम जी की हाल सारे का। रियल इंडिया चैनल पर आप सारे साथियों स्वागत है भाई। आज आपके लिए एक और बड़ी अपडेट लेकर के आया हूं। अपडेट जो हरियाणा में ग्रुप डी के पदों पर जो कर्मचारी लगे हुए हैं उनको लेकर के रहने वाली है। तो अपडेट क्या कुछ, अपडेट जानने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी साथियों को अपडेट मिल सके। और साथ ही जो साथी चैनल पर नया आता है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, अपने साथियों से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कराए ताकि जो इसी तरह से आपको सरकारी नौकरियों से जुड़ी अपडेट दी जा सके। तो चलिए साथियों शुरू कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो। तो साथियों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये लेटर जो लिखा गया है और ये लेटर जो है चीफ सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट हरियाणा ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के द्वारा लिखा गया है और ये लेटर जो है ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज टू गवर्नमेंट हरियाणा ऑल हेड ऑफ डिपार्टमेंट टू गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा को ये लेटर लिखा गया है और ये लेटर जो 27 मई 2024 को लिखा गया है साथियों। और ये लेटर जो है सरकार ने जो ट्रांसफर ड्राइव पॉलिसी के दिनांक 14/12/2023 के तहत ग्रुप डी कर्मचारियों के एचआरएमएस डेटा संबंधित विभागों में स्थानांतरित करने को लेकर के जहां में ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव के तहत ट्रांसफर हुए ज्वाइन हुए उसको लेकर के लेटर है वही। तो आप जैसा एक सब्जेक्ट देख सकते हैं कि रिगार्डिंग ट्रांसफरिंग द एचआरएमएस डाटा ऑफ ग्रुप डी एम्प्लॉयज हु गेट ट्रांसफर्ड अंडर द रिवाइज्ड ट्रांसफर पॉलिसी, ठीक है साथियों ये इसमें सब्जेक्ट हो गया। और आप ये जो है लेटर देख सकते हैं रिफरेंस टू गवर्नमेंट ट्रांसफर ऑर्डर डेटेड 9/1/2024, 7/3/2024, 11/3/2024 इश्यूड अंडर रिवाइज्ड ट्रांसफर पॉलिसी डेटेड 14/12/2023 ऑन द सब्जेक्ट नोटेड अबोव। गवर्नमेंट हैज इश्यूड द ट्रांसफर ऑर्डर ऑफ ग्रुप डी एम्प्लॉयज वाइड ट्रांसफर ड्राइव पॉलिसी डेटेड 14/12/2023। देयर फॉर यू आर रिक्वेस्टेड टू ट्रांसफर द एचआरएमएस डाटा ऑफ ऑल ट्रांसफर्ड ग्रुप डी एम्प्लॉयज टू कंसर्न डिपार्टमेंट वेयर दे गो ट्रांसफर्ड या ज्वाइंट अंडर द ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव। दिस इंस्ट्रक्शन मे प्लीज टू बी ब्रोट टू द नोटिस ऑफ ऑल कंसर्न ऑफ स्ट्रिक्ट कंप्लेंस इन लेटर एंड स्प्रिट। तो लेटर लिखा गया साथियों, अब मैं इसकी जो है लेटर की आपको हिंदी करके दिखा देता हूं ताकि जो आपको जो है बारीकी से जो है लेटर समझ में आ सके भाई ये मैटर क्या कुछ है। तो ये आप देख सकते हैं जो लेटर लिखा गया है भाई मुख्य सचिव हरियाणा सरकार मानव संसाधन विभाग के द्वारा लिखा गया है और ये लेटर जो है सभी प्रशासनिक सचिव हरियाणा सरकार के सभी विभागाध्यक्ष को लेटर लिखा गया 27 मई 2024 को। और उसमें आप विषय देख सकते हैं भाई संशोधित स्थानांतरण नीति के अंतर्गत स्थानांतरित हुए जो ग्रुप डी कर्मचारी हैं उनका एचआरएमएस डाटा स्थानांतरित करने के संबंध में लेटर है। तो उपरोक्त विषय पर संशोधित स्थानांतरण नीति दिनांक 14/12/2023 के अंतर्गत जारी किए गए शासन स्थानांतरण आदेश दिनांक 9/1/2024, 7/3/2024, 11/3/2024 का संदर्भ। तो सरकार ने ट्रांसफर ड्राइव पॉलिसी दिनांक 14/12/2023 के तहत ग्रुप डी कर्मचारियों के स्थानांतरण आदेश जारी किए हुए हैं और इसीलिए आपसे अनुरोध है कि सभी स्थानांतरित ग्रुप डी कर्मचारियों के एचआरएमएस डेटा को संबंधित विभाग में स्थानांतरित कर दिया जाए जहां वे ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव के तहत स्थानांतरित या ज्वाइन हुए हैं। तो ये कृपया इन निर्देशों को जो है अक्सर से कड़ाई से अनुपालन के लिए संबंधित के ध्यान में लाया जाए। तो साथ ही ये जो लेटर है आपको जो लेटर समझ में आ गया होगा। तो वीडियो आपको कैसी लगी, तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे एक नई लेटेस्ट अपडेट के साथ। इसके साथ जय हिंद जय भारत।